हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें कितना सम्मान दिया, उन्हें विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा भेजा, एनएलसी उन्हें बनाया, खिलाफ में है, विपक्ष में है, तो उनसे पक्ष की उम्मीद थोड़ी की जाएगी कि वैसे वो शब्दावली इस्तेमाल करेंगे। रोकना और पूर्ण बहुमत देना पॉलिटिकल पार्टी की किसी की हैसियत है क्या? इस तरह की बोली बोलेंगे नहीं तो दूसरा जो दरवाजा की उम्मीद में वो बैठे वो दरवाजा खुलेगा कैसे? नहीं होता कि द्वारे द्वारे जाना, तो फिर वो यहाँ से वो चले गए अपना, और जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक कहीं से भी उनको तो वेटेज मिलने वाला है नहीं। अपना उनका अस्तित्व क्या है अभी देखिए ना भाई, कि उनका अस्तित्व क्या है अभी उनका, और भावी मुख्यमंत्री ऐसा कहीं होता है क्या कि कोई भी व्यक्ति ये स्वयं को तय कर दे, घोषित कर दे कि मतलब हम मुख्यमंत्री होंगे? सात निश्चय की हम बात करें 2015 में, चाहे सात निश्चय पार्ट टू की बात करें, उन्हें अपने किए गए हर एक वादे को समय से पहले पूरा किया। 2005 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को जिस तरह से बिहार की जनता ने फुल मैंडेट दिया है, बिहार के विकास के लिए, बिहार के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, नीतीश कुमार जी बिहार के विकास को लेकर के काम करते, बिहार के विकास को लेकर के उनके एजेंडे, उनकी सारी सोच और सारे उनके पॉलिसीज होते हैं, सारी नीतियां होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट, मैं हूं आपके साथ नीतीश। जदयू से अलग होने के बाद, नई पार्टी गठन करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए उन्होंने सीधा कहा है कि पहले वे जदयू की जय बोलते थे, लेकिन जदयू वाले अब लंटेन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता हैं अंजू महाराज, इनसे बातचीत कर क्या कहना चाहती हैं मैडम? देखिए, वो यहाँ उनकी महत्वाकांक्षाएँ पूरी नहीं हुई तो नहीं होता कि द्वारे द्वारे जाना, तो फिर वो यहाँ से वो चले गए अपना, और जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक कहीं से भी उनको तो वेटेज मिलने वाला है नहीं। सीधी सी बात है, तो उनको तो खिलाफ में बोलना ही है ना, लेकिन उनके बोली का कोई माने मतलब तो है नहीं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें कितना सम्मान दिया, उन्हें विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा भेजा, एनएलसी उन्हें बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड के उनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। अब उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ बहुत बड़ी निश्चित रूप से रही होंगी जो यहाँ पूर्ति होते हुए उनको नहीं दिखा, तो दूसरे द्वार जाने के वो प्रयास कर रहे हैं, और जब तक इस तरह की बोली बोलेंगे नहीं तो दूसरा जो दरवाज़ा की उम्मीद में वो बैठे वो दरवाज़ा खुलेगा कैसे, पहले ये बताइए। तो उसी की कोशिश में वो लगे हुए हैं, लेकिन उनके कुछ भी बोलने से बिहार की जनता सारी बातों को जान रही है। 2005 से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को जिस तरह से बिहार की जनता ने फुल मैंडेट दिया है, बिहार के विकास के लिए, बिहार के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बतौर मुख्यमंत्री काम किया है, बिहार की जनता को जो कमिटमेंट किया, चाहे सात निश्चय की हम बात करें 2015 में, चाहे सात निश्चय पार्ट टू की बात करें, उन्हें अपने किए गए हर एक वादे को समय से पहले पूरा किया है, तो बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखती है। बाकी विपक्ष हैं जिनको खिलाफ में बोलना है, जो खिलाफ में है, विपक्ष में है, तो उनसे पक्ष की उम्मीद थोड़ी की जाएगी कि वैसे वो शब्दावली इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना है, सीधा तौर पर कहना है कि राजद के विरोध में जदयू का गठन हुआ था और नीतीश कुमार फिर से राजद के साथ गठबंधन कर लिया। देखिए, किसी के विरोध में एक चीज़ तो जान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड कोई भी निगेटिव परसेप्शन या निगेटिव एजेंडे के तहत जनता दल यूनाइटेड ना एक्ट करता है ना उसके एजेंडे होते हैं। जनता दल यूनाइटेड का इंटायर एजेंडा बिहार को खुशहाल बिहार कैसे बनाया जाए, बिहार को विकसित बिहार कैसे बनाया जाए, और देश में अमन चैन और खुशहाली कैसे रहे, कैसे विकास हो, उसके नज़र पहली बात हमारा जो एजेंडा वो रहता है। तो किसी के विरोध में नहीं, बल्कि जो बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार के ऊपर जो एक बदनुमा दाग लगा हुआ था उस दाग को ख़त्म करने के लिए, और जिस तरह से बिहार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींचा है विकास को लेकर के, तो जनता दल यूनाइटेड का उदय या जनता दल यूनाइटेड जो हमारा है या बिहार की जनता ने जो अपना फुल मैंडेट दिया हमारी पार्टी को, इसलिए किसी के विरोध में नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को दिया है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के विकास को लेकर के काम करते, बिहार के विकास को लेकर के उनके एजेंडे, उनकी सारी सोच और सारे उनके पॉलिसीज होते हैं, सारी नीतियां होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं कि जो जदयू को रोकेगा उसके साथ गठबंधन करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? जो जदयू को रोकेगा एक चीज ये बताइए कि रोकना और पूर्ण बहुमत देना पॉलिटिकल पार्टी की किसी की हैसियत है क्या? बिहार की जनता, देश की जनता वो मैंडेट देती है, किसी को रोकती तो देश की जनता रोकती है। अगर बिहार में किसी को रोकना है तो देश की जनता रोकती है। नीतीश कुमार जी 2005 से अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो बिहार की जनता के आशीर्वाद से है ना,
तो सीधी सी चीज है कि किसी की कोई हैसियत, ये उनका बोलना ही रिलेवेंट है। बिहार की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा। बिहार की जनता ने तय कर दिया है विरासत बचाओ नमन यात्रा के बाद, हाँ तय कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा भाई मुख्यमंत्री होंगे। अरे भाई तो क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होंगे आप बोल रहे हैं? भाई मुख्यमंत्री 25 के है, हाँ बिहार की जनता किसको तय कर दी है? उपेंद्र कुशवाहा, हाँ कि भावी मुख्यमंत्री होंगे। पहले अपना उनका अस्तित्व क्या है अभी देखिए ना भाई, कि उनका अस्तित्व क्या है अभी उनका, और भावी मुख्यमंत्री ऐसा कहीं होता है क्या कि कोई भी व्यक्ति ये स्वयं को तय कर दे, घोषित कर दे कि मतलब हम मुख्यमंत्री होंगे? आखिर क्यों उठे हुए थे जदयू से? निश्चित रूप से उनकी कुछ अपनी महत्वाकांक्षा रही होंगी, अति महत्वाकांक्षा। अब इतना तो उनको सम्मान मिला, इतना उनको सम्मान मिला जिसको ये झुंझुना कहते हैं। पूछिए हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर से कि एमएलसी होना क्या झुंझुना होता है, विपक्ष का नेता होना झुंझुना होता है, राज्यसभा का सदस्य होना झुंझुना होता है। निश्चित रूप से जब इतने बड़े बड़े पद इनके लिए झुंझुना थे, तब तो इनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में कोई बहुत बड़ी अति महत्वाकांक्षा थी जिसकी पूर्ति होता हुआ इनको यहाँ से नहीं दिखा। कहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी के नेतृत्व में 25 चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, यही ये कारण हो सकता है? ये तो वो बताएंगे ना, ये तो वो बताएंगे कि उनके यहाँ से जाने का क्या कारण है। हम लोगों ने तो उनको पूरा सम्मान दिया, हम लोगों ने तो उनको उनके पूरे मान सम्मान का हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ख्याल रखा, वो क्यों गए इसका तो वही जवाब दे पाएंगे। तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी जदयू की महिला प्रवक्ता थी अंजू महाराज, इन्होंने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जो थे आखिर जदयू से जाने का कारण क्या था। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत है असहमत है अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।